हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी चने की, भुने हुए चनों की बर्फी, जो कि बनानी बहुत इजी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। आप अपने बच्चों को भी ये दे सकते हो, क्योंकि बच्चे वैसे तो भुने हुए चने नहीं खाते, लेकिन ऐसे बर्फी में वो जरूर खा लेंगे। एक इससे क्या है, हमारी आईसाइट भी इंक्रीज होती है, डॉक्टर्स भी इसे सजेस्ट करते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है, ना बच्चे चने खाएं ना बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों को चने और ड्राई फ्रूट्स खिलाने का। चना बाइट्स बनाने के लिए मैंने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर ले लिए और उनकी मैंने मेयरमेंट एक सेट कर ली है। अगर मैंने एक कप यहाँ पर चना लिया है, उससे थोड़ा सा कम चीनी ली है, एक पूरी कटोरी से थोड़ी सी कम है, आप पूरी भी ले सकते हो, लेकिन आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और एक कप यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, एक कप है ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ हुआ। आपने पहले देसी घी ज़्यादा नहीं डाल देना, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कम होगा तो हम उसमें दोबारा इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है, काजू बादाम और पिस्ता, ये तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया। आप अपने आपके पास जो भी है आप वो वाले ले सकते हो। चने को मैंने पीस लिया, एक कटोरी ही है बस। अब हमने क्या करना है, करने एक पैन ले लेना है और अपना देसी घी पाकर उसमें मेल्ट कर लेना। सबसे पहले घी मेरा गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम आपको पूरे प्रोसेस, ये बर्फी बनाने के पूरे प्रोसेस में मीडियम रखनी है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना पिसे हुए चने का पाउडर और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देखोगे आप स्टार्टिंग में ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बेसन ही है ना, ये भी बेसन ड्राई होता है तो एकदम घी को सोख लेता है। पर आपको इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है, जब ये एक बार गर्म हो जाएगा ना अच्छे से, तो ये अपने आप ही घी छोड़ने लग जाएगा। अगर फिर भी आपको लगे कि इसमें घी नहीं आ रहा, सूखा सूखा है, तब हम इसमें और थोड़ा सा एक दो चम्मच घी ऐड करें। आपको इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता या इस पर शाइन नहीं आ जाती, तो इसमें घी रिलीज नहीं हो जाता। आपको मीडियम फ्लेम पर इसकी ऐसी अच्छे से भुनाई करनी है। इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 स्पून घी का ऐड करती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून ही किया मैंने, ज़्यादा नहीं किया इसमें ऐड, बस 1 स्पून से हो जाएगा और इसे फिर चलाएंगे। अब ये 5 मिनट में हो जाएगा। आप ये सारा प्रोसेस कर बेसन के साथ भी सकती हो, लेकिन बेसन में क्या है ना, बहुत लोग कहते हैं उनसे कच्चा रह जाता है, इससे ना कच्चे रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती भुने हुए चनों से, और ये हेल्दी भी बहुत है। वैसे भी चने तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, हमारी आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छे हैं कि हमें चने खाने चाहिए, तो इसका एक ये बेनिफिट भी है और एक ये इजी भी बन जाता है, इसमें ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम बेसन से बनाते हैं ना तो उसमें भुनाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। बस इसे मैं 5 मिनट के लिए और भून लूँगी। 10 मिनट हो चुकी हैं, ये मेरी ठंडी हो चुकी है, मीन्स इतना हो चुकी है ये ठंडा, इसे मैं कंफर्टेबली टच कर सक रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी देसी खंड, जो देसी खंड, शुगर, चीनी, बूरा, जो भी आप डाल रहे हो उसकी अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, और इसे भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, चीनी इसमें पूरी मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम अपनी ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। इसे जमाने के लिए मैंने ये एक ट्रे ले ली है, आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल प्लेट ले लीजिए, और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया। अब पूरे मिक्सचर को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए मैंने ट्रे में इसे अच्छे से सेट कर दिया। अब इस पर मैं गार्निश कर दूँगी, हमारे जो मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना वो गार्निश कर दूँगी थोड़े से, और थोड़ा सा मैं इस पे ये पिस्ता है मेरे पास, मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये लगा दूंगी। आप चाहे तो बादाम लगा लीजिए, जो आपके पास है वो आप लगा सकते हो। 25 से आधा घंटा ये लग जाएगा इसे जमने के लिए।
अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हो, फ्रिज में 10 मिनट में ही हो जाएगी, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो 20-25 मिनट के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बर्फी को पड़े हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है और हार्ड भी हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसे मैं स्प्रे में से निकाल लूंगी। देखिए इजीली निकल भी गई है, कोई मुश्किल नहीं हुआ निकालने में भी। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो ये लीजिए, हमारी टेस्टी सी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी है बनानी, और इसे आप जैसे अब रमज़ान चल रहे हैं उसमें भी आप अपनी गेस्ट आपके घर आ रहे हो तो उसमें सर्व कर सकते हो। होली पे भी आप इसे बना सकते हो। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।